22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हुआ था। इसके बाद में लगातार वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसी में आज उदयपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और आज ये यहाँ से निकलेगी। भक्त यहाँ पर है जो अयोध्या में दर्शन करने जाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इससे 1990 में हम कार सेवा में गए थे, उससे भी बहुत बढ़िया लग रहा था और आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हम भगवान दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या। बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। स्पेशल ट्रेन चली है ये, सबको यहाँ से ले जा रही है। क्या अनुभव है आपके मन में? उस टाइम जिस तरह से ट्रेन में ही गए थे और अब फिर से ट्रेन में जा रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं इस बारे में? ट्रेन में गए थे उस समय हम गिरफ्तार भी हुए थे, आगरा जेल में थे, अस्थायी जेल बना दिया था उस समय, और आज तक कहने का मतलब खुला है पूरा, सब प्रशासन वगैरह सब साथ में है उसमें। बहुत अब भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कुछ क्या अनुभव, क्या महसूस कर रहे हैं अंदर से? बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को वहाँ। और सबसे मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे उदयपुर से जो स्पेशल ट्रेन चलाई है उससे हमारे आसपास के जो भी वहाँ पे जाने वाले हैं, दर्शनार्थी है, वो आराम से जा सकते हैं और अच्छी सुविधा के लिए आई। आस्था ट्रेन है और सबकी आस्था इससे जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम आस्था रखा हुआ है और हमारे सबकी आस्था है और हम अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के दरबार में हम सब भक्त लोग आज एक ट्रेन के माध्यम से जाना जा रहे हैं और हम लोगों के जीवन का सबसे स्वर्णिम समय है कि 500 साल के लंबे संघर्ष काल के बाद ये अवसर आया है जो प्रभु के दरबार में एक भव्य दरबार में एक जो हिंदुओं के कलंक लगा हुआ था माथे पे वो समाप्त हुआ। और आप तो ट्रेन में बैठ गए बिल्कुल तैयारी से, क्या अनुभव है? अनुभव छोड़ो, इंतजार कितना वो पूछो आप। थोड़ा पास में ही है, अनुभव तो है ही है लेकिन इंतजार 500 वर्षों का है। 26 तारीख की तय थी ट्रेन, कैंसिल हुई। हमारा मन जानता है कि कितने दुखी हुए, लेकिन आज वो अवसर आया है कि हम सब श्री रामलीला के दर्शन करने के। अच्छा, अंदर आके बात करता हूँ आपसे। तो ये पूरी आप आस्था स्पेशल ट्रेन है उदयपुर सिटी अयोध्या, यहाँ पर बैठ चुके हैं। ट्रेन की रवानगी है, हरी झंडी दिखा दी गई है, आप देख सकते हैं अंदर जय उद्घोष लगे हुए हैं। उद्घोष लग रहे हैं यहाँ पर, जय श्री राम के उद्घोष लग रहे हैं। जय रामचंद्र की जय। तो ये ट्रेन रवाना हो रही है, आप कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं भाई साहब। तो ये देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? आइए अयोध्या, ये भी रवानगी हो रही है, जय श्री राम। चलिए तो ये जय श्री राम के उद्घोष के साथ में अयोध्या के लिए उदयपुर से ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। उदयपुर से होते हुए चित्तौड़, भिलवाड़ा, फिर जयपुर और इसके बाद में अलग अलग जिलों से होते हुए लखनऊ और आगे पहुंचेगी और वापस से इसकी वापसी अगले दिन 5 तारीख को होगी, जो 6 तारीख को उदयपुर में पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि उदयपुर से कार सेवक, RSS संघ से जुड़े हुए, अन्य समाज संगठनों से जुड़े हुए जो व्यक्ति है जिनका पहले से ही लिस्टिंग बन चुकी थी, उस लिस्टिंग के अनुसार यहाँ से निकले हैं और 5 तारीख को वहां से निकलने के बाद 6 तारीख को पहुंच जाएंगे। ABP News से विपिन सोलंकी।